स्कोर जा पहुंचा है 41 रन एक विकेट के नुकसान पे। आस है कि लंबे लंबे हिट देखने को मिलेंगे कमलेश के बल्ले से। कमलेश के लिए इधर कमल किशोर को और खेल दिया एक रन के लिए। अगली गेंद सामने है कर्मा। अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने लगातार गेंद पे प्रहार किया है और विकेटों के बीच में दौड़ करके रन चुराए हैं। उसी के साथ ओवर की समाप्ति और छह ओवर की समाप्ति के बाद गवाना का कुल स्कोर 46 रन एक विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद और सम्मान दिया गेंद को धन्य प्रसाद। बहुत ही कम रन खर्च कर रहे हैं। अच्छी गेंद और फिर से कोई रन नहीं। सात ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन दो विकेट के नुकसान पे। तो अच्छी गेंदबाजी हुई है आज बडोलगांव के द्वारा। लगातार रनों पे अंकुश सा लगा हुआ है बडोलगांव के गेंदबाजों ने। शंभु प्रसाद ने जिसमें से तीन ओवर काफी अच्छे करे हैं और फिर से हल्के हाथ से खेला हुआ है सर मात्र एक रन के लिए। प्रगति दर और अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी लगातार। और काफी अच्छा शॉट यहाँ पे कर्मा के बल्ले से निकलता हुआ और इसे एक कैच टपकता हुआ, कैच टपकता हुआ बडोलगांव के फील्डर से। आठ ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 55 रन। तो यहाँ से गवाना की टीम को दंपत्नी बसंती देवी ने 201 रुपए कमेटी को दान किए हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और दिल्ली के द्वारा निकलता हुआ है पहला लंबा हिट। अभी अंपायर डिसीजन आना बाकी है। तो अंपायर डिसीजन दे और जो बाउंड्री राइडर है वो भी बताए कि क्या है ये शॉट। दो रन, मात्र दो रन। और अच्छी गेंद और इतना ही अच्छा शॉट और फिर से दौड़ करके दो रन पूरे कर लिए हैं। आज बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करी है बडोलगांव ने। पूरी तरह एक ओवर यदि छोड़ दिया जाए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है और खराब तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में खराब तालमेल देखने को मिलता हुआ। लगता है कर्मा थोड़ा सा थक चुके हैं, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ी थकान हो चुकी है उनको। इसी के साथ गवाना का उछलता हुआ स्कोर 61 रन। अच्छी गेंद और अच्छा शॉट और फिर से एक बार घोड़ा मैदान में आता हुआ घोड़ा। और हमारे जो घोड़े के मालिक है श्री सुमोध घनसेना जी सबके सामने करेंगे कर्मा। और हल्का हाथों से खेल लिया गेंद को मात्र एक रन के लिए। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग वहां पे परवीन द्वारा, परवीन जो कि काफी थक चुके हैं। और अच्छा शॉट, लंबा प्रहार दिल्ली के बल्ले से और छह रन दिल्ली के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला खूबसूरत छक्का। तो हमने पहले ही कहा था कि दिल्ली लंबे हिट के लिए जाना। धर्मपत्नी दलवीर सिंह 201 रुपए समिति को दान दिए हैं। जोरदार तालियां के लिए भी दिल्ली का अपने पुत्र की स्मृति में, अपने पुत्र बाणी की स्मृति में 200 रुपए समिति को दान दिए हैं। इसके लिए भी जोरदार तालियां और इसी के साथ खूबसूरत शॉट खेला हुआ है कर्मा के बल्ले से
निकलता हुआ खूबसूरत चौका बीएसएल चौका तो करमा वीरेंद्र जी और काफी अच्छा शॉट छोड़ा दिशा से भटके लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए और अच्छी गेंद फिर से अच्छी गेंद वीरेंद्र जी ने हल्के हाथों से खेल दिया है। जब तक गेंद फील्ड हो पाती दो रन दौड़ करके पूरी कर ली बिन्नी ने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पारी की समाप्ति और दवाड़ा ने बडोलगांव को लक्ष्य दिया है 75 रनों का लक्ष्य बडोलगांव के सामने रखा है। यदि बडोलगांव को ये मैच जी